अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी वर्ल्ड विद सीमल। आज मैं यहाँ एक नर्सरी पे आई हूँ जो कि गार्डन टाउन के बिल्कुल डेवो के बिल्कुल ऑपोजिट है, फिरोजपुर रोड पे। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सीजनल प्लांट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्लांट्स आपको आजकल में लगा लेने चाहिए, कौन सी पुनीरी अभी आने वाली है और उसको उसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं इधर देखते हुए आई हूँ कि सीजनल प्लांट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, ये अली साहब हैं और ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्लांट्स आजकल पनीरी जिसकी अवेलेबल है और आप उसके फूल चंद ही महीनों में ले सकते हैं। अभी जो स्टार्ट सीज़न, अभी इसका स्टार्ट हुआ है हमारा विंटर सीज़न, उसके ऊपर सबसे पहली जो हमारी इनिशियल प्रोडक्ट होती है वो मैरीगोल्ड है, फिर उसके ऊपर जाफरी है। मैरीगोल्ड आपको पहले मैं आपको सर्च करवा देता हूँ मैरीगोल्ड के ऊपर। ये मैरीगोल्ड हमारी प्लांट्स मैरीगोल्ड के हैं, ये मैरीगोल्ड होता है जी, ये मैरीगोल्ड की सीडलिंग्स है। मैरीगोल्ड जो है सबसे पहली आइटम होती है फॉर विंटर प्लांटेशन, इसको आम हरफे आम में आप गेंदा भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इनिशियल फेमस है गेंदे के नाम से। इसकी हम पहले सीडलिंग तैयार करते हैं, सीडलिंग के बाद फिर आप इसको सेपरेट करके फ्लावरिंग ले लेते हैं। आप इसको अभी लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये विद इन 3 वीक्स आपको फ्लावरिंग पे आ जाएगा और फ्लावरिंग से ऑनवर्ड। इसका मतलब है अली साहब, अब आज 20th September है तो आपका मतलब है कि अब हमें इसको फौरी तौर पर लगा लेना चाहिए। जी हाँ जी, अब आप इसको लगा लेंगे तो देन ये है कि आगे आपका फर्दर सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जस्ट लाइक आप उसमें पेटोनिया ऐड कर सकेंगे, पेंजी ऐड कर सकेंगे और साथ में ये भी फ्लावर पे होगा, क्योंकि ये सबसे इनिशियल फर्स्ट कम है विंटर सीजन का और इसके ऊपर सबसे पहले फ्लावर मैरीगोल्ड का आता है या जाफरी का आता है। ये मैरीगोल्ड है, इसके बाद आपको जाफरी दिखाते हैं, फ्लावरिंग की पिक्चर्स भी आपको साथ शेयर कर देंगे। फिर दूसरा सीज़न स्टार्ट हो जाता है, दूसरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिसमें पेटोनिया, पेंजी, एंट्राइनम, ये वाली चीज़ें होंगी जो कि जिनका टाइम स्पैन या फिर फ्लावरिंग पीरियड इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गेंदा, मैरीगोल्ड और फिर इसमें गुले शर्फी, ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी टाइम तक प्रोलॉन्ग करेंगी। ये बताइए अली साहब, ये बताइए कि इसको हमें छाँव में लगाना है या इसको धूप में लगाना है? इसको फुल एक्सपोज सन में लगाना है आपको, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा अच्छा सन हो वहाँ पे लगा रहा है। और इसकी सॉइल जो है वो आपने अच्छी प्रिपेयर करनी है विद लीफ मैन्योर और काउ मैन्योर भी आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? इसका 1/3 रेशो होता है, यानी कि 1/3 आपका सॉइल और फिर प्लांट फर्ट, आप वैसे कॉमनली जो सब चीज़ों का मिक्सर होता है वो आप अपनी सॉइल के साथ मिक्स कर लें 1/3 की रेशो के साथ, तो वो आप इसके अंदर ऐड करके करें तो वो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है और जो इसका लाइफ स्पैन है, फ्लावर साइज है, वो अच्छा आउटकम आएगा। इसकी रफली प्राइस कितनी है ताकि व्यूअर्स को पता चल सके कि वो कितने में ये एक गमला खरीद सकते हैं? इसमें 2-3 वैरायटीज़ आती हैं, सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि इनका F1 जो है सबसे ज़्यादा फेमस इसके ऊपर होता है, जिसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है और उसके ऊपर भी होती है। ये पर प्लांट 5 रुपीज़ के हिसाब से होता है, 5 रुपीज़ के ऊपर आप इसको, हम गमले के अंदर से पॉट को प्लांट्स को काउंट कर देते हैं, उसके मुताबिक फिर आप इसको काउंट करके उसकी प्राइस बन जाती है, 60-70-80 रुपीज़ तक की इसकी रेंज हो जाती है। इसको कैलेंडुला बोलते हैं, एक्चुअल जो बोटैनिकल नेम है इसका उसको कैलेंडुला बोलते हैं, फिर इसके साथ इसको आम लैंग्वेज में गुले शर्फी का प्लांट भी कहते हैं। ये भी मैरीगोल्ड और जाफरी के साथ ही लगाया जाता है और साथ ही इसकी फ्लावरिंग आ जाएगी, इसके साथ ही फिर इसको आप फ्लावरिंग के साथ एक बेड सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी प्राइस रेंज सेम है एज़ पर मैरीगोल्ड एंड जाफरी। अगर हम इसको, जैसे समटाइम्स हमने देखा है कि लिफाफों में मौजूद होते हैं, प्लास्टिक ट्यूब्स में पनीरी मौजूद होती है, क्या उसकी और इस गमले की प्राइस का डिफरेंस है? जी, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स के अंदर या ट्यूब्स के अंदर आपको मिलते हैं वो पर प्लांट कॉस्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपीज़, 10-15 रुपीज़, तो अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो ये आपको कॉस्ट करेगा 4-5 रुपीज़ पर प्लांट, तो आप यू जस्ट हैव टू शिफ्ट इट इन अनदर पॉट, उसके अंदर फिर आपको ये उतना चीपर पड़ता है। सैम्पलिंग हमेशा चीपर पड़ेगी, सिर्फ ये है कि यू हैव टू डू सम एफर्ट्स ऑन इट।
इसके फूल कौन से कितनी देर में लगेंगे? ये तकरीबन 3 वीक्स के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगा और आफ्टरवर्ड्स फिर आगे अप्रैल तक इसके आगे मार्च तक फ्लावरिंग आप इसकी कंटिन्यू कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम उन प्लांट्स की तरफ, सीजनल प्लांट्स की तरफ चलते हैं जिनके किस सीड्स अभी लगाए जा रहे हैं। आपको अली साहब अभी इसकी भी डिटेल बताते हैं कि ये कौन से हैं और ये आपको कब खरीदने के लिए अवेलेबल होंगे। जी, ये फर्दर अब ये हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये पेटोनिया की है। पेटोनिया द मोस्ट फेमस इन विंटर्स। ये जो है अप्रॉक्सीमेटली भी अभी से हम इसको स्टार्टअप कर रहे हैं। सीड्स आपके सामने ये गार्डनर डाल रहे हैं, पॉट्स के अंदर इसकी सीडलिंग तैयार होगी विद इन 2 वीक्स, और विद इन 2 वीक्स के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं फर्दर अपने गार्डन सैम्पलिंग के ज़रिए अपने बेड्स बना सकते हैं, जिससे होगा ये कि ये आगे टिल जून तक आपका फ्लावरिंग टाइम पीरियड देता है। ये द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड ऑफ फ्लावर्स इन विंटर्स। और इसके ऊपर कलर रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 कलर्स एंड टाइप्स होती हैं, जो इसके साथ साथ पेटोनिया एंड फर्दर टाइप्स आगे चलेंगी। और इसको भी हमें क्या सनलाइट में ही लगाना होता है? जी, ये फुल सनलाइट के अंदर ही होगा।